अब एक बड़ी खबर, और ये जो बड़ी खबर है ये यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। और मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो ये बड़ी खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा है, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने के उनसे ठीक पहले सियासी हलचल बढ़ रही है, और कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा कई तरह के संकेत हैं। अब अगला कदम इनका क्या होगा, क्या किसी और पार्टी में जाते हैं, आखिर इनके इस्तीफे के पीछे वजह क्या रही। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये किसी और पार्टी के संपर्क में है, लेकिन कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले कई नेता दल बदल सकते हैं। अब जिस तरह से कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर भी अब अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। कई तरह की अफवाहें भी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।